जय हिंद दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक दिन हम लोग 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करते हैं जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाती है। वर्षा की बूंद गोल आकृति की होता है, ऐसा क्यों? पृष्ठ तनाव के कारण, प्रत्यास्थता के कारण, गुरुत्व के कारण या फिर श्यानता के कारण? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव के कारण वर्षा का बूंद, जो पानी का बूंद होता है, वो गोलाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है जिसका कारण है ऊर्ध्वमुखी प्रणोद के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण या फिर श्यान बल के कारण। तो प्रकृति जो होता है वर्षा का बूंद, वो गोल आकार का होता है किनके कारण? तो जस्ट अभी डिस्कस किए थे पृष्ठीय तनाव के कारण। देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल सकता है, इसीलिए हर एक क्वेश्चन को समझ करके आंसर देना है और लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होता है क्योंकि? देखिए इसका कारण क्या हो सकता है कि जो जमा हुआ पानी, उसमें मिट्टी का तेल अगर डालते हैं तो उसमें मच्छर कम पनपता है, तो मच्छरों को भगाता है मिट्टी का तेल, या फिर मच्छरों के लिए उच्च विष बनाता है, प्रजनन में बाधा डालता है, या लार्वा के सांस में बाधा डालता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लार्वा के सांस में बाधा डालता है। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जो मिट्टी का तेल, इनका पृष्ठीय तनाव ज़्यादा होने के कारण ये जल के सरफेस में फैल जाता है, और जल के सरफेस में फैलने के कारण जो लार्वा होता है और ऑक्सीजन के बीच का संपर्क टूट जाता है, जिसके कारण लार्वा को सांस लेने में बाधा होता है और जिसके कारण लार्वा पानी में डूब के मर जाता है। ठीक है, यानी कि मच्छर नहीं बन पाता है, मच्छर नहीं पनपता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश का बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? श्यानता, प्रत्यास्थता, घर्षण या फिर पृष्ठ तनाव? तो शेविंग ब्रश जो होता है उनका बाल आपस में चिपकता है, ये आपका पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, तो गेंद गिरती है उसके हाथ में, उसके पीछे, उसके सामने या फिर उसके बगल में? कोई भी मान लीजिए कि एक ट्रेन या फिर एक बस है जो कि आगे की ओर जा रही है, और उस पर खड़ा एक लड़का भी जा रहा है, अगर वो एक गेंद को ऊपर की ओर फेंक रहा है तो गेंद वापस कहाँ गिरेगी? क्योंकि देखिए ट्रेन या फिर बस भी गति होगा, तो उसके साथ साथ बालक भी, लड़का भी गतिशील ही होगा, तो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? देखिए इसका राइट आंसर होगा कि उसी के हाथ में गिरेगा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो बस है वो भी गतिशील अवस्था में होगा, जो लड़का है वो भी गतिशील अवस्था में होगा, और इसी रीजन से फेंका गया जो गेंद है वो भी गतिशील अवस्था में ही होगा। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए कि एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है, तो न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तल ला जा सकता है? ठीक है, तो तीसरा गति का नियम, दूसरा गति का नियम, पहला गति का नियम या फिर पहला और दूसरा और तीसरा, मतलब तीनों गति का नियम, इनके अनुसार, इस गति के नियम के अनुसार व्यक्ति तट तक आ सकता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तीसरा गति का नियम। तीसरा गति का नियम क्या है? एक्शन रिएक्शन लो। ठीक है, तीसरा गति का जो नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। अगला क्वेश्चन देखिए, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? श्यानता के कारण, जल के घनत्व के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण,
कपूर का यह गुण है, इनके कारण उनके सतह पर नाचते हैं या फिर तैरते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा पृष्ठीय तनाव के कारण। पृष्ठीय तनाव के कारण ही ऐसा करैक्टर दिखाई देता है कपूर के छोटे छोटे टुकड़ों में। अगला क्वेश्चन देखिए, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठीय तनाव क्या होगा। शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठीय तनाव पर क्या होगा। पृष्ठीय तनाव घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर परिवर्तित अपरिवर्तित हो जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठीय तनाव घट जाता है। शुद्ध जल में डिटर्जेंट डालने पर, सर्फ डालने पर उनका पृष्ठीय तनाव घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठीय तनाव क्या होता है। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठीय तनाव क्या होगा। घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है या फिर बढ़ जाता है। तो देखिए साबुन या फिर डिटर्जेंट जल में अगर घोला जाता है तो उनका पृष्ठीय तनाव हमेशा घटेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, स्वांतक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि निचले भाग में वह शोभा नहीं देती, उनसे कमरे में कुछ रोशनी मिलती है, या सांस में छोड़ी गई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है, या फिर उसमें कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, ऐसा क्यों। क्योंकि वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, या शोर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, या फिर वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है, या गुरुत्व नहीं होता है। इनके कारण सीधे खड़े नहीं रह पाता है अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में। तो अंतरिक्ष में एक्चुअल में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है, तो लैक ऑफ ग्रेविटी फोर्स के कारण ही जो अंतरिक्ष यात्री है वो अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि केश नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो उसमें चढ़ने वाला जल सतह की ऊंचाई आधी रह जाता है, शून्य हो जाती है, दुगुना हो जाती है, या फिर वही रहती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आधी रह जाती है, ऑप्शन नंबर ए। फटाफट अपना राइट आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, श्यानता की इकाई है, श्यानता की इकाई पॉइज पॉइंट जूली पास्कल या फिर इनमें से कोई नहीं। श्यानता की इकाई जो है वो है पॉइज, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 74, देखिए जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केश नालियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होगी। अधिक व्यास वाली केश नली में अधिक होगी, या फिर दोनों केश नलियों में अधिक होगी, कम व्यास वाले केश नली में अधिक होगी, या फिर जल के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कम व्यास वाली केश नली में अधिक होगी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए कि लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठती है। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठती है, तो तेल की कम श्यानता के कारण, तेल में कार्बोक्सिलिक समूह के कारण, दाब अंतर के कारण, या केशिकीय घटना के कारण। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए केशिकीय घटना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, केशिकीय घटना। नेक्स्ट वन देखिए कि पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। केपलर का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, या फिर पास्कल का सिद्धांत। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट वन, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन देखिए, समकोण त्रिभुज का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, करंट व वोल्टेज का संबंध,
या पलवन का नियम। तो आर्किमिडीज का जो नियम है वो किन से संबंधित है, किस नियम से संबंधित है? तो पलवन के नियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज, न्यूटन, लुईस पासर या फिर इनमें से सभी। तो उत्प्लावकता का जो संबंधित वैज्ञानिक है वो आपका आर्किमिडीज, आर्किमिडीज जी है। ठीक है, आर्किमिडीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट वन, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस के भार पर, ठोस के द्रव्यमान पर, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने पृष्ठ भाग के बराबर, घनत्व के बराबर, आयतन के बराबर या फिर भार के बराबर। तभी डूबती है जब वह अपनी आयतन के बराबर पानी को हटाती है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थी। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज ये जर्मनी से, यूएसए, ग्रीन या फिर ग्रीस या फिर ब्रिटेन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग्रीस। ठीक है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे, तो ग्रीस के रहने वाले। अगला क्वेश्चन, पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठों पर ना चिपकने का कारण क्या है? तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है, आपस में मिल नहीं सकता इसीलिए, या फिर पृष्ठ तनाव के कारण, या असंजक बल के अभाव के कारण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा असंजक बल के अभाव के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन देखिएगा, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द पर, यह दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर या फिर पूर्व से पश्चिम की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहिए में बॉल बैरिंग का कार्य है, पहिए में बॉल बैरिंग का कार्य है गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, या स्थितिज घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, मात्र सुविधा के लिए या घर्षण को बढ़ाने के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज घर्षण को गतिज घर्षण में बदलने के लिए ऐसा होता है। ठीक है, और देखिए स्थितिज और गतिज क्या होता है। स्थितिज ऐसा घर्षण या फिर स्थितिज बल ऐसा बल को कहेंगे जो स्थिर अवस्था में होता है, और गतिज जो एक्टिव अवस्था में होता है। ठीक है, जो गतिशील अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव होगा? बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? उतनी ही रहेगा, कम होगा, बढ़ेगा या फिर पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि उतना ही रहेगा। ठीक है, उसका लेवल चेंज नहीं होगा, अपरिवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऊंची इमारत से एक गेंद है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। तो बोल रहा है कि 3 सेकेंड, ठीक है, 3 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा, 3 सेकेंड के बाद वेग क्या होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका 9.6 मीटर पर सेकेंड है, ए नंबर। बी नंबर है 9.8 मीटर पर सेकेंड, 39.3 मीटर पर सेकेंड और 29.4 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 9.8 को क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना, दोनों 27 के साथ कैरी में आया 2,
और नौतिया सॉरी आठतिया 24 के 4 हो जाएगा, केरी माया 2 और नौतिया 27 28 29 29.4 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, जस्ट क्या करना है तो 9.8 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो उनका वेग ज्ञात हो जाएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक वस्तु का द्रव्यमान यहाँ पर दिया हुआ है 100 kg, और अगर चांद पर गुरुत्व जनित त्वरण 8E/6 है, ठीक है 8E/6 है, तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है, पृथ्वी पर उस वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 100 kg, चंद्रमा में उसी वस्तु का द्रव्यमान पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, देखिए इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी 100 kg। देखिए ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कभी भी द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। ठीक है, द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, एक्चुअल में वेट जो होता है ना वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, पावर शक्ति का एसआई मात्रक वॉट किसके समतुल्य है, वॉट जो है वो किसके समतुल्य है, केजी पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाट किसके समतुल्य है। नेक्स्ट वन सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि भारहीनता की अवस्था में एक मिमती की ज्वाला मोमबत्ती होना चाहिए, बोला मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा अधिक छोटा गोलाकार वही रहेगा या फिर अधिक लंबा हो जाएगा, भारहीनता की अवस्था में मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज के लिए कि एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है, जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इनका क्या कारण क्या होगा कि तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है, तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, तरल का पृष्ठीय तनाव जल की अपेक्षा कम है या तरल का पृष्ठीय तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।